नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चैबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। यूनाइटेड यूथ फेलोशिप के बैनर तले मणिपुर की घटना को लेकर आज चैबासा में शांति रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय की महिलाएं, पुरुषों और बच्चों ने हिस्सा लिया। शांति रैली का आयोजन सीएनआई चर्च से किया गया। हाथों में बैनर पोस्टर लिए शहर का भ्रमण करते हुए लोग पोस्ट ऑफिस शॉप पर जमा हुए, जहां सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मणिपुर को न्याय दो, देश में नफरत फैलाना बंद करो, देश के सभी मानव को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार हो, मणिपुर हम तुम्हारे साथ हैं, मानवाधिकार का सम्मान करो के नारे लगाए गए। बिशप फूलचंद महतो ने यहाँ सभा को संबोधित करते हुए मणिपुर के हालात पर चिंता जाहिर की और कहा कि मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, इस देश की न्याय व्यवस्था आखिर क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि हमारे देश में इस तरह की घटनाएं होंगी तो पूरी दुनिया हमें किस नज़र से देखेगी। उन्होंने कहा कि सरकार से हमारी मांग है कि मणिपुर में हर हाल में शांति बहाल की जाए। रॉबर्ट रूटिया सवैया ने कहा कि मणिपुर में आदिवासियों के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहा है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। 100 दिन हो गए हैं लेकिन सरकार मौन है। आज हम सरकार को जगाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। मणिपुर में लोगों के घर जला दिए गए हैं, वह बेघर हो गए हैं। वहां के हालात क्या है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। मणिपुर में जो भी हालत है उसकी सारी जिम्मेदारी शासक वर्ग की है। यदि शुरू में ही ध्यान दिया होता तो आज यह नौबत नहीं आती। क्योंकि वह आरक्षण का मामला है, यहां भी कहीं भी तो आरक्षण का मामला चल रहा है।
इसके लिए आपको तैयार होना होगा, प्रत्येक को तैयार होना होगा। आज उनकी पारी थी, कल आपकी पारी है। मैं आह्वान करता हूं सबों से कि आप कुल के सामने आइए, क्योंकि हम लोकतांत्रिक तरीका से यहां विरोध कर रहे हैं, किसी का हरास नहीं कर रहे हैं। कई अत्याचार हो रहे हैं, महिलाएं हमारे देश के लिए हर जगह साथ दे रही है। महिलाओं के अनेक रूप है, माँ, बहन, पत्नी, बेटी, बहू। जीवन के हर मोड़ में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए हर काम में साथ दे रही है। क्या बिगाड़ रही है देश के लिए, समाज के लिए? एक बार आप सोच कर देखिए, अगर नारी जात नहीं होगी तो जगत का विकास होगा क्या? नहीं होगा। पुरुष जाति का भी नारी के बिना अस्तित्व नहीं है। इस चीज को पुरुष वर्ग को समझना होगा, नारी को सम्मान देना होगा, नारियों का हमेशा साथ देना होगा। नारियों के प्रति उनके मन में जो भी गलत धारणाएं, गलत विचार हैं, उसको बाहर निकाल कर फेंकना बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह चाईबासा के पुलिस लाइन मैदान में होगा। इसको लेकर जिला प्रशासन और जिला पुलिस की ओर से तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज पुलिस जवानों ने परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल किया। उपायुक्त अनन्य मित्तल के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर की मौजूदगी में मुख्य समारोह के दौरान होने वाले परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। परेड में शामिल प्लाटून के द्वारा दोनों पदाधिकारियों को सलामी दी गई और फिर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड का निरीक्षण और ध्वजारोहण किया गया। फुल ड्रेस रिहर्सल से पूर्व सीआरपीएफ 174 बटालियन के जवानों द्वारा पुलिस लाइन से शहर में जय जवान वंदे मातरम उद्घोष के साथ बाइक रैली के माध्यम से तिरंगा यात्रा निकाली गई। पुलिस लाइन में आयोजित राजकीय समारोह में राज्य की महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री जोबा मांझी द्वारा 15 अगस्त को सुबह 9:05 पर ध्वजारोहण किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम स्थल के बाद पूर्वाहन 10:10 पर सिंहभूम आयुक्त कार्यालय सहित जिला परिषद कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय सदर चाईबासा, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्यालय तथा पूर्वाहन 10:50 पर समाहरण नाले में ध्वजारोहण किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को पिल्लई हॉल में अपराहन 1:30 से स्कूली बच्चों की सहभागिता से सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को अपराहन 1:30 से फैंसी फुटबॉल मैच का आयोजन किया जाएगा। आज 15 तारीख के स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए प्रैक्टिस सेशन किया गया और इसकी फुल एंड फाइनल ड्रेस रिहर्सल की गई। यहाँ पर यह देखा गया कि सभी सुविधाएं और सभी चीज़ें लाइंड अप हैं या नहीं, और इसी के साथ हम लोग स्वतंत्रता दिवस अच्छे से मना सकें, यही मेरी आशा है। यही चाईबासा पुलिस परिवार के दो पुलिस पदाधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक हमारे सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इसी अवसर पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राज्य स्तरीय जो आयोजन हो रहा है रांची में, हम लोग सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चाईबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में FS टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहां वहां भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं।
आया आया नीलम शुभ में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हरना। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस, डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रूंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारे नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। पश्चिमी सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सत्र 2021-23 की 16वीं कार्य समिति की बैठक चैम्बर के अध्यक्ष राजकुमार ओझा के अध्यक्षता में सनशाइन रेस्टोरेंट में हुई। बैठक में 3 सितंबर को दिन के 11 बजे सनशाइन बैंक्वेट्स में वार्षिक आम सभा करने का निर्णय लिया गया। साथ ही कार्य समिति के सभी सदस्यों का रिन्यूअल 27 अगस्त तक लेने का निर्णय लिया गया। इसके बाद कोषाध्यक्ष आय व्यय का ब्यौरा बनाकर अध्यक्ष को देंगे। वार्षिक आम सभा की बैठक आयोजित करने का मुख्य कार्यक्रम संयोजक ओम प्रकाश केड़िया और मुख्य चुनाव अधिकारी बजरंग लाल चिरानिया को बनाया गया। कर्मा त्योहार मनाने को लेकर उरांव समाज ने कुड़ुक सामुदायिक भवन पुलहातू में संचु तिर्की की अध्यक्षता में बैठक की। बैठक में सातों अखाड़ा के मुखिया और समाज के गणमान्य लोग शामिल थे। बैठक में संचु तिर्की ने कहा कि इस वर्ष भी कर्मा त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। कर्मा त्योहार के उपलक्ष में शहीद राम भगवान क्रिकेट्टा 2 दिवसीय कर्मा फुटबॉल स मिलन समारोह 28 और 29 सितम्बर को आयोजित होगा। सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान में आयोजित होने वाले कर्मा फुटबॉल में 40 टीमें शामिल होंगी। बैठक में अनिल लकड़ा, सहदेव किसपोट्टा, बाबूलाल बरहा, लालू कुजूर, दुर्गा खलखो, डोमा मिंज शामिल थे। युवा कांग्रेस के कार्यक्रम सुपर शक्ति शी के तहत 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन देश की बेटियां ध्वजारोहण करेंगी। युवा कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान बेंगलुरु में 28 जुलाई को इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। भारतीय युवा कांग्रेस के मुख्य कार्यक्रमों में से यह एक कार्यक्रम है। युवा कांग्रेस के पश्चिमी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष प्रीतम बांकिरा ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश, जिला और विधानसभा स्तर पर महिला सशक्तिकरण की झलक दिखाई पड़ेगी। युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेकर महिलाएं अपने हक और हिस्सेदारी के लिए ध्वजारोहण करेंगी। उन्होंने कहा कि सुपर शक्ति शी कार्यक्रम के तहत प्रदेश से लेकर विधानसभा स्तर तक शक्ति क्लब के जरिए महिलाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। बेंगलोर में आयोजित अधिवेशन में शक्ति सुपर शक्ति शी कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, उसी के तहत आज कांग्रेस भवन चाईबासा में प्रेस वार्ता के माध्यम से ये जानकारी दे रहे हैं कि जैसा हम सभी देखें कि पिछले कई दिनों से या कई महीनों सालों से लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते आए हैं, महिलाओं को इन अत्याचारों के विरोध में आवाज़ उठाने के लिए, उनको शक्ति प्रदान करने के लिए युवा कांग्रेस के द्वारा शक्ति सुपर सी कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा कांग्रेस महिला सशक्तिकरण और उनके हक और हिस्सेदारी के लिए आवाज़ बुलंद करेगी। जैसा कुड़ुक पुस्तकालय बानटोला के स्थापना के 6 वर्ष पूरा होने पर पुस्तकालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के बीच निबंध प्रतियोगिता और चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित विद्यार्थियों के बीच निबंध प्रतियोगिता का विषय वर्ग के अनुसार और चित्रांकन प्रतियोगिता का विषय प्रकृति पर आयोजित किया गया था। प्रतियोगिता के लिए 1 घंटे का समय दिया गया था। प्रतियोगिता में 90 छात्र छात्राओं ने भाग लिया।
सफल प्रतिभागियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किया जाएगा। हिंदू जागरण मंच चैबासा नगर की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 120 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस मौके पर समाज की जरूरत को देखते हुए मॉर्चरी आइस बॉक्स का अनावरण किया गया, जिसका उपयोग निःशुल्क सेवा के तौर पर किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता भगत सिंह और भगवान बिरसा मुंडा के सामने दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर जमशेदपुर के अमरजीत सिंह नमन, भाजपा जिला अध्यक्ष सतीश पुरी, अमित जसवाल, काजू मधेशिया, गुरमु सिंह खोखर के अलावे मंच के सदस्य शामिल थे। आज हिंदू जागरण मंच चैबासा नगर के द्वारा छठा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और आज के रक्तदान शिविर में उसके साथ साथ हम लोग समाज की बहुत दिनों से ज़रूरत को महसूस करते हुए समाज के लिए हम लोग एक मोर्चुरी आइस बॉक्स भी रखे जो सौ रखने के लिए है और उसको हम लोग निःशुल्क सेवा के रूप में समाज को आज समर्पित करने वाले हैं। और आज का यह कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम लोगों ने रखा है और बहुत दिनों से हम लोग ने देखा कि समाज में ज़रूरत था मोर्चुरी बॉक्स का, उसको देखते हुए आज हम लोग मोर्चुरी बॉक्स का भी अनावरण करने वाले हैं कुछ ही देर में। और आज वृहत रूप से हमारे विराट रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे पश्चिमी सिंहभूम जिला मांडूंगी मंझारी जिपानी के भी कार्यकर्तागण जगदलपुर से भी हमारे लोग आ रहे हैं रक्तदान करने के लिए। और ये सामाजिक कार्य, समाज की सेवा हमेशा संगठन करते आई है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ पश्चिमी सिंहभूम की कोर कमेटी की बैठक महेश सिंह की अध्यक्षता में नगर पालिका बंगला मध्य विद्यालय में हुई। अध्यक्ष ने कहा कि अगस्त का महीना देश की आज़ादी में एक अलग पहचान रखता है। इसी माह में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। उसी से प्रेरणा पाकर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का महासम्मेलन 19 अगस्त को स्थानीय मांगीलाल रुंगटा प्लस टू विद्यालय में 11 बजे से आयोजित किया जाएगा। उन्होंने जिले के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से अनुरोध किया कि अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर महासम्मेलन को सफल बनाए। महासचिव उपेंद्र सिंह एवं प्रमंडलीय अध्यक्ष अजय साहू ने विस्तार से कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सम्मेलन के प्रथम सत्र में शिक्षकों की समस्याओं एवं वर्तमान समय में कार्य में उत्पन्न चुनौतियों पर व्यापक चर्चा की जाएगी। दूसरे सत्र में जिला कमेटी का पुनर्गठन भी किया जाएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।